शहीदे आजम भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी देशभक्त जिसने 23 साल की उम्र में अपने देश के लिए शहीदी प्राप्त की। भगत सिंह का जीवन लाखों नौजवानों को देश के प्रति कर्तव्य पालन की सीख देता आ रहा है। क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत जिला लयालपुर के बावली गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान में भी भगत सिंह को आजादी के दीवाने की तरह याद किया जाता है। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह के 5 भाई रणवीर, कुलतार, राजेंद्र, कुलबीर, जगत और 3 बहनें प्रकाश कौर, अमर कौर और शकुंतला कौर थीं। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह भी स्वतंत्रता सेनानी थे तथा कई बार जेल भी गए थे। भगत सिंह के जन्म के समय भी उनके पिता जेल में ही थे। अपने चाचा अजीत सिंह और पिता किशन सिंह के साए में बड़े हो रहे भगत सिंह बचपन से ही अंग्रेजों की गुलामी के किस्से सुनते आ रहे थे। किशन सिंह और अजीत सिंह दोनों गदर पार्टी के सदस्य थे। जब भगत सिंह 12 साल के थे, उन्होंने जलियांवाला बाग का दौरा किया, जहां एक सार्वजनिक सभा में एकत्र हजारों निहत्थे लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग में बच्चों, बूढ़ों, औरतों और नौजवानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर अंग्रेजों ने अपने अमानवीय और घातकी होने का सबूत दिया था। जब वह 14 साल के थे तो गुरुद्वारा ननकाना साहिब में बड़ी संख्या में निहत्थे लोगों का नरसंहार किया गया था। इन दोनों घटनाओं का भगत सिंह के जीवन पर बहुत गहरा असर हुआ था। भगत सिंह की पढ़ाई दयानंद इंग्लो वैदिक हाई स्कूल में हुई। वे लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए कर रहे थे, तभी उनके देश प्रेम और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य ने उनसे पढ़ाई छुड़वा कर देश की आज़ादी के पथ पर ला खड़ा किया। एक सामान्य नवयुवक के सपनों से अलग भगत सिंह का बस एक ही सपना था, आज़ादी। और ऐसा लग रहा था कि भगत सिंह अपने देश, अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए ही सांसें ले रहे थे। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे और इसी के चलते एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन में लाठी चार्ज के दौरान लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह और उनके दल ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए स्कॉट को मारने की योजना बनाई, जो एक ब्रिटिश अधिकारी था। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल और चंद्रशेखर तैनात हुए और स्कॉट की जगह सॉन्डर्स को देखकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ गए, क्योंकि सॉन्डर्स भी उसी जालिम हुकूमत का एक नुमाइंदा था। एक गोली राजगुरु ने सॉन्डर्स को कंधे पर मारी, फिर भगत सिंह ने सॉन्डर्स को 3-4 गोलियां मारी और इस तरह सॉन्डर्स को मारकर भगत सिंह और उनके साथियों ने लालाजी की मौत का बदला लिया। देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 की शाम करीब 7:33 पर फांसी दे दी गई। भगत सिंह की फांसी के दिन उनकी उम्र 23 वर्ष 5 महीने और 23 दिन थी और उन्हें जिस दिन फांसी दी गई उस दिन भी 23 तारीख थी। और कहा जाता है कि इन तीनों क्रांतिकारियों को निर्धारित समय से पहले ही फांसी दी गई थी, ताकि देश के आम लोगों में इस फैसले के खिलाफ क्रांति की ज्वाला ना भड़के। कहा जाता है कि फांसी के दिन भगत सिंह क्रांतिकारी लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। भगत सिंह की मौत के बाद उनके भतीजे जगमोहन सिंह, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया कि उनके परिवार को आज़ादी के बाद भी निगरानी में रखा गया था। उन्होंने यह भी बताया कि उनका पासपोर्ट भी लंबे समय के लिए रद्द कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि 1964 में जब पंडित नेहरू का निधन हुआ तो एक आदमी उनकी मां के पास आया और स्वीकार किया कि वो हम पर काफी समय से जासूसी कर रहा था, क्योंकि पंडित नेहरू ने आपके परिवार से खतरा देखा था। इसके बाद वे लुधियाना से चले गए थे, पर उन पर जासूसी जारी रही। उसने बताया कि उसकी मां यानी भगत सिंह की बहन की मौत के बाद भी कई महीनों तक सुरक्षा एजेंसियां उनके बारे में पूछताछ करती रहीं। भगत सिंह के अंतिम जीवित भाई सरदार कुलतार सिंह का सितंबर 2004 में निधन हो गया। कुलतार सिंह सहारनपुर से विधायक चुने गए और फूड सप्लाई मंत्री भी रहे। उनके 2 बेटे किरणजीत सिंह और जोरावर सिंह और 3 बेटियां वरिंदर कौर, इंदु और कमलजीत हैं, जो सभी विदेश में बस गई हैं। भगत सिंह की आखिरी जीवित बहन प्रकाश कौर ने अपने आखिरी दिन टोरंटो में बिताए। जब देश 28 सितंबर 2014 को भगत सिंह का जन्मदिन मना रहा था, वह टोरंटो में अपने बेटे रूपिंदर सिंह के साथ रह रही थी।
1989 में पंजाब में आतंकवाद के दिनों में जब उनकी बेटी के साले कुलजीत सिंह भट्ट होशियारपुर में एक मुठभेड़ में मारे गए थे, तो पुलिस ने दावा किया कि कुलजीत सिंह भट्ट के आतंकवादी संबंध थे, जिसे बीबी प्रकाश कौर ने नकार दिया था। उसने परिवार पर लगे दाग को साफ करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। न्याय पाने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। भगत सिंह परिवार के जीवित सदस्यों में से उनके भतीजे और भतीजी वीरेंद्र संधु, किरणजीत सिंह संधु, इंद्रजीत ढिल्लन और अभी संधु अभी भी मीडिया में कभी कभार दिखाई देते हैं। दोस्तों, आज जब मैं शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के देश की आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष और उन पर हुए अमानवीय अत्याचार की सच्ची कहानी के बारे में बता रहा हूँ, तो मेरी आंखें नम है और दिल कांप उठा है और महसूस हो रहा है कि जिस आज़ाद देश की सुरक्षित हवा में मैं सांस ले रहा हूँ, उसके लिए इन सपूतों ने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी है। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी दी गई कुर्बानी को बेकार ना जाने दें और एक अच्छे नागरिक के तौर पर हम जो कुछ भी इस देश के लिए कर सकते हैं करें, यही हमारी इन वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को